मुफ्ती साहब मेरा नाम इकबाल यूसुफ है आपकी महफिल में कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते हाजिर हूँ बहुत खुशी होती है आपको देख के जिस तरह आप इस्लाम को बयान करते हैं हमारे मसाइल को हल करते हैं तो आपका प्रोग्राम ना सिर्फ इधर पूरी दुनिया में देखा जाता है जो आज का मेरा सवाल है बेसिकली मेरा सवाल ही मेरी सिस्टर पाकिस्तान में है वो आपका प्रोग्राम बहुत अरसे देखे और उन्हीं को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया हमें आप तक पहुंचाने का तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और वो आपको बड़ी अकीदत आपसे करती हैं बड़ी आपसे मोहब्बत है तो उनका सवाल था मे, मेरे पास तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि ये सवाल मुफ्ती साहब से पूछेगा उनका सवाल ये था मुफ्ती साहब के जो बॉयलर मुर्गी है आ, उसके बारे में मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के केमाए हैं उनके मुख्तलिफ बयान हैं ज़्यादातर खास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से वो कहते हैं कि जो आ, खुराक इन मुर्गियों को दी जाती है वो हराम होती है उसमें शूअर का गोश भी मिलाते हैं खून या कुछ और इस तरह की चीज़ें तो अगर ऐसी खुराक से वो मुर्गी बनती है और फिर हम उसको खाते हैं तो उसके बाद जो वो जिसम का हिस्सा बनता है वो जो खुराक हमने खाई है तो उससे आपकी रूहानियत खत्म हो जाती है आपका ईमान खत्म हो जाता है तो वो लोगों को मना करते हैं कि आप ये मुर्गी ना खाएं या इसके बारे में सर कोई वजाहत कर दीजिए क्योंकि ये मसला पाकिस्तान में भी बहुत है यहाँ पे भी है और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है क्योंकि खुराक किस तरह उनको दी जाती है वल्ल आलम लेकिन जो मीडिया और दूसरे जराये से पता लगता है कि वो बहुत ज्यादा नाकस खुराक होती है उसकी जी बहुत शुक्रिया अकबाल साहब वीडियो वीडियो देखने से पहले वीडियो को को लाइक करें करें राहम टीवी चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया माशाल्लाह माशाल्लाह इकबाल यूसुफ साहब आपने अच्छा सवाल किया सबसे पहले आपकी मोहब्बत को शुक्रिया आप बाकायदा जो तशीब लाते हैं हमारी खान में और यहाँ रौनक अफरूज होते हैं और जाहिर है कि जो भी अब आप, आप आते हैं तो जिस शौकौ के साथ आते हैं हम उनकी कदर करते हैं अल्लाह तबारक बता आपको बरकत फरबाये और बाकी सवाल आपने बड़ा खूबसूरत किया ज़ाहिर रूहानिय से इसका ताल्लुक है क्योंकि याद रखिए गिज़ा और ख़ुराक जो होता है इसका रूहानी में बड़ा दखल होता है तभी कुरानी करीम में भी अल्लाह तबारक व फ़रमाया कि या यो रसूल ए मेरे रसुलों के फरमाए के कुलू मिन तयबी वाम खाओ जय पाकिजा हलाल और उसके बाद वामह और नेक अमल करो तो नबियों को भी होगा मैं कि पाकिज़ा और हलाल तयब खाओ और नेक अमल करो तो मुफसिन फरमाते हैं कि इसमें देखो पहले फरमाए पाकीज़ा और हलाल खाओ उसके बाद फरमाए अमल करो इसका मतलब है कि इंसान की नेक अमाल की बुनियाद जो है ग़ा भी बनती है इंसान जब पाकिज़ा और हलाल और प्योर खाता है उसका असर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ता है तो इंसान से अमाल और साले होते हैं अगर जो हराम खाएगा और जो वो बुरी खुराक खाएगा उसका असर इंसान की तबियत पर पड़ेगा और रूहानी तो उसकी जो है मज़बईल होगी नतीजे है कि रूहानी अमाल उससे सातर नहीं होंगे इसलिए जो तो है कुल्बू मिनत तो ये बात इवामसाल की बुनियाद है कि रूहानियत पर यकीन असर पड़ता है अब रहा मसला बॉयलर जो है मुर्गी उसके बारे में कि मुख्त तहकीकत जो है मीडिया पर आती रहती हैं और ये है उनको डिफरेंट खुराकें दी जाती हैं उसके ज़रिए से जो वो ग्रो होती हैं और ख़ुराकें जो हैं वो आप जैसे बता रहे हैं कि किसी हराम खास खनजीर वगैरह के गोश् के एज़ा से बनाई जाती हैं तो वो उनको खिलाई जाती हैं जिसका उनका गोश्त भारी हो जाता वगरा वगरा। जात है वगैरह वग़ैरह इसके अंदर जो है शरीफ फतवे का ताल्लुक है शरीफ फतवे के अतबार से तो वो खाना जायज़ है उसके अंदर कोई ममानियत नहीं इसलिए कि देखें अगर जैसे मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब लिखा है कि देखो एक इंसान को अगर खून की जरूरत है वो किसी दूसरे का खून लेता है तो उनसे सवाल किया गया कि अगर के चर्सी मवाली किसी काफिर मुशीन का खून ले ले तो जायज़ है या नहीं क्योंकि उस काफिर मुशरिक और चरसी मवाली का खून लेंगे तो नदिया क्योंकि इंसान की ईमानियात और वहाँ तो पर असर पड़ेगा फरमाया कि असर पड़ना पॉसिबल है कि पड़े लेकिन शरीयत में मान्यत नहीं है किसी काफ़र का खून आप लगवा लें किसी चरसी मवाली का खून लगवा लें क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक के अंदर इसी तरह के खून पड़े होते हैं और वह आपको लगा देते हैं लिहाजा दे शरण लगाने में मानत नहीं लेकिन उसका कोई बुरा असर उस वजह से ज़ाहिर हो तो उसकी शरीय जिम्मेदार नहीं है उसकी शहरी जिम्मेदार नहीं है बिल्कुल इसी तरीके से बॉयलर जो मुर्गी है उसके बारे में भले मुख्त चीजें आती हैं तो शरण जो है उसके खाने में ममानत नहीं है क्योंकि जाहिर है कि जो खुराक वो मुर्गी खाती है उसके अंदर जाने के बाद माहियत बदल जाती है जब चीज की माहियत बदल जाए तो वो चीज पे हराम नहीं रहती जैसे गोबर है अब गोबर जो है वैसे गोबर की हालत वो तो नापाक है लेकिन जब वो राख बन जाती है गोबर जो उपले जल जाते हैं राख पाक हो जाती है उसकी माहियत बदल गई तो माहियत बदलने से उसको हुक्म बदल जाता है ऐसे आपने देखा हो कि चको देहातों में आमी मुर्गी हमारी मुर्गियां छिपकलियां खाती हैं कितनी छिपकलियां खाती हैं बल्कि बच्चों के गू के अंदर मुँह मारती रहती हैं तो वो तो गू के अंदर मुँह मारने वाली मुर्गियों का क्या करेंगे फिर हाँ अलबत्त फिर भी उलमा ने यह एक एहतियाती तदबीर बता दी कि ऐसी मुर्गी जो गू खाती है सी चीजें खाती है उसको तीन दिन डरबे के अंदर बंद रखो तीन दिन डरबे बंद रखो और उसको जो है कुछ दाना पानी ना दो ताकि वो तीन दिन के अंदर जो है वो अपने बीटों के जरिए से सारा वो फांसी मवाद निकाल दे अब उसके बाद उसको खाओ तो मामूली कड़ाह भी उसके अंदर नहीं रहेगी लिहाजा अब आप खा सकते हैं तो बिल्कुल इससे बॉयलर मुर्गी जो है उसकी अव्वल तो ख़ुराक जो दी जाती है वो जब खाती है उसकी माहियत बदल जाती है लिहाजा उसके खाने के अंदर कोई मुमानियत नहीं लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि भैया हम और एहतियात करें आप बॉयलर मुर्गी को तीन दिन बंद रखें जो फुकाने नज़ीर पेश की है तीन दिन मदरख के कुछ न दे तीसरे दिन उसको ज़िबा करके खा लें इससे वो आपका शक् व शुभा भी ख़त्म हो जाएगा जिसकी जिसका आपको जो परेशानी महसूस हो रही है ठीक है और दूसरी बात यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो देसी जिसको ऑर्गेनिक आजकल ऑर्गेनिक का बड़ा रिवाज है ऑर्गेनिक मुर्गियाँ जो मिलती है यहाँ पर मिलती हैं या हमारे मुल्कों में मिलती है देसी मुर्गियाँ उसको इस्तेमाल करें अमरीका यूरोप में भी माशाल्लाह जो देसी मुर्गियाँ मिलती हैं माशाल्लाह हम अपने घर के अंदर अपने सारे चाहने वालों के घरों में वही ऑर्गेनिक देसी मुर्गी लाते हैं बॉयलर मुर्गी इस्तेमाल ही नहीं करते क्योंकि देसी मुर्गी जो है उसके अंदर ऐसी कोई शुभ वशु बात नहीं वो इस्तेमाल करें लेकिन होता ही है कि लोग क्या कहते हैं ओ जी अच्छा देसी मुर्गी पर देसी मुर्गी महंगी होती है तो महंगी होती है तो फिर चुप करके खाओ बॉयलर तो बॉयलर को कहते हैं हराम है वो फला चीज़ खा ली उसने और देसी का मशा दे तो यार महंगी होती है हम कहते हैं यार हलाल मॉर्गेज कराओ कहते यार वहां परसेंटेज महंगा होता है तो भाई हलाल भी खाओ और पर तो डबल डबल मजे तो नहीं मिलते ना है एक एडवांटेज मिलेगा आपको कि आपको हलाल मॉर्गेज मिल गया हलाल मुर्गी मिल गई थोड़ा सा महंगा पैसे ज्यादा भर दो तो ये कोई उजर नहीं है कि आप ये कहेंगे यार देसी मुर्गी महंगी है हालांकि हम लाते हैं महंगी मिलती है लेकिन लेते हैं भाई पैसा इस इसमें खर्च नहीं करना तो कहाँ खर्च करना है हलाल नहीं खाएंगे तो पाकिजा माल कैसे आएंगे Alloha. लेकिन अगर बॉयलर का मसला है तो फिर आप तो ये मीडिया के अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं तो अव्वल तो ऐसी चीजें कारोबारी मकासद के लिए इस तरह की चीज़ें पैदा करते हैं लोग इन इसके हवाले से इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए वलूमा इक्राम जो फतवा दे दें दे, तो उसके ऊपर अमल करें अगर टेंशन लेनी है तो फिर पूरी पूरी टेंशन लें और देसी मुर्गी खाए जी,